हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल मेरी रसोई में। आप मेरी चैनल में नए आए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपको क्या नया जानना है, क्या सीखना है आपको हमसे, आप मुझे कमेंट करके भी कह सकते हैं। तो आज मैं न्यू स्टाइल से आपको सिंह का शाक सिखाने वाली हूँ। वो कैसे बनता है तो आपको ये मेरा वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और इसे कैसे बनाते हैं हम ये न्यू स्टाइल से सिंह का शाक। हम आज न्यू स्टाइल से सिंह का शाक बनाने वाले हैं जो बड़ों से बच्चों को सबको पसंद आएगा। ये सिंह का शाक कितना टेस्टी भी होता है। आप मेरी स्टाइल ट्रिप और स्टिक से बनाएंगे ये सिंह का शाक तो बढ़िया टेस्टी भी बनेगा। चलो शुरू करते हैं सिंह का शाक। हमने सिंह नु शाक बनावा माटे यहाँ पे मैंने ली है 4 से 5 सिंह ली है। वो मैंने इसे 2-2 इंच में कट कर ली है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूंगी, उसके बाद हम इसके शाक बनाएंगे। और हमें सिंह का शाक बनाने के लिए हमने जीरा लिया है 1 टीस्पून, हींग ली है 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है एंड 2 कप बेसन लिया है। हम आज न्यू स्टाइल से सिंह का शाक बनाने जा रहे हैं तो हम पहले ऑयल को गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है, मैं उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तब हम उसमें जो हमने बेसन काटा निकाला है हम उसको रोस्ट करेंगे। अब हमने जो बेसन काटा निकाला है और उसमें ऐड कर देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो हम इसे बेसन काटे को रोस्ट कर लेते हैं। हमें इसे लगातार चलाते हुए ही इसे रोस्ट करना रहेगा। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे रोस्ट करना है। सुनहरा हो जाए तब तक हम इसलिए रोस्ट करते हैं जिससे केसर में से जो कच्चापन होता है वो निकल जाए और हमारे सिंह का शाक टेस्टी लगे। अब मैं ये हमारा बेसन का आटा भी रोस्ट हो चुका है तो मैं इसे साइड की प्लेट में निकाल लेती हूँ और गैस की फ्लेम को भी ऑफ कर देती हूँ। हमने यहाँ पे फिर से कढ़ाई ली है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है हम वेट कर लेते हैं। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है तो हम इसमें तड़का लगाएंगे। जीरा 1 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं। हम जीरे से ही तड़का लगाएंगे और हींग। और जो हमने
को कट करके रखा है, हम उसमें तेल में ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो हल्दी निकाली है वो ऐड करूंगी। रेड चिली पाउडर एंड स्वाद अनुसार नमक। फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मसाला ऐड करने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट इसे हिला के पकाना रहेगा। अब हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास वाटर ऐड किया है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पकने दूंगी। जब तक हमारी जो ये शिंग है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। हमें इसे पकाने के लिए हमें मीडियम गैस पे इसे पकाना रहेगा, ना स्लो टू ना फुल। हम दोनों के बीच में रखेंगे मीडियम गैस पे। मैं अब मैं इसे थर्ड लुक देती हूँ। अब मैं इसे ओपन करके देख लेती हूँ। अब मैं एक सिंक को उठा के चेक कर लेती हूँ कि ये पकी है या नहीं। तो हमारी सिंक सॉफ हो जाए तो समझना क्या ये पक चुकी है। तो हम देख लेते हैं, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये टूट रही है, बिखर रही है। ये हमारी सिंग रेडी हो चुकी है। तो हम अब मैंने जो बेसन का आटा रोस्ट किया था वो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ।
तरह से मैं इसे मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसे जरा 5 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। अब हमारे 5 मिनट भी हो चुके हैं तो मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया ऐड करूंगी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं गैस की फ्लेम को भी ऑफ कर अब मैं इसे आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे आपको सिंक का शाक बेसन वाला आपको सर्व कर दिया है तो मैं इसमें अब थोड़ी सी हरी धनिया को स्प्रिंकल करूंगी। आपको मेरी न्यू स्टाइल से सिंका शाक कैसा लगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके कहें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।